मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला शाखा जबलपुर के क्रांति निकाय के आह्वान पर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से विसंगतियों का निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है कि खेती किसानी की मुख्य कड़ी कृषि विस्तार अधिकारी नियुक्त होने पर पूर्व वेतन नहीं हो पाते हैं। इनका वेतन 3 वर्षों तक 70%, 80%, 90% दिया जाता है। ग्रेड पे भी अन्य समक्ष कर्मियों की तुलना में काम ही दिया जा रहा है। एक ही पद पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, अतः पदोन्नति की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की है। प्रांतीय अध्यक्ष रजनीश दुबे, संभागीय अध्यक्ष टीएस ब्रिछलिया, जिलाध्यक्ष ब्रस भान अहिरवार, प्रांतीय प्रतिनिधि हरीश ध्रुवे, महिला प्रकोष्ठ की ममता ठाकुर, जागृति साहू, राम प्यारे ध्रुवे ने संघ की मांगों को पूरा न होने पर आगे भी संघर्ष की बात की है। आज हम मुख्यमंत्री महोदय को आज मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि अधिकारी संघ शाखा जबलपुर द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर जबलपुर के द्वारा दिया गया है, जिसमें हमारी छः सूत्री मांगों का निराकरण हेतु दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें मुख्य मांग हमारी थी कि हमारी वेतन विसंगति जो है, जिसमें ग्रेड पे हमारा हमेशा से चौबीस सौ चला रहा, जो कि समकक्ष पदों द्वारा उसी समकक्ष पदों को 2800 ग्रेड पर दिया जा रहा है, इसलिए इस निराकरण के लिए हमारा पहली मांग दी गई। दूसरी मांग हमारी ये थी कि समय से आज से 35 वर्ष हो गए, लेकिन जिस पद पर हम पदोन्नत हुए, वो भर्ती हुए, उसी पद पर हम अभी आज भी आसीन होकर रिटायरमेंट हो रहे हैं, जबकि इसको पद्धति के उच्च पद पर या पदोन्नति हमको दिया जाए। तीसरी हमारी जो मांग थी, वो हमारे जो नए नियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो अभी हुए, उसमें 70% पहले वर्ष मिलता है, दूसरे वर्ष मिलता है 80%, तीसरे वर्ष मिलता है 90%, और चौथे वर्ष उनको 100% स्टाइफंड के रूप में मिलता है। इसके बाद चार साल की समीक्षा अवधि, उसको हटाने के लिए 2 वर्ष की समीक्षा परीक्षा अवधि रखी जाए और उनको पहले वर्ष से ही 100% वेतन दिया जाए। इसके साथ ही और हमारे जो मेरा नाम ब्रसवान अहिरवार, जिला अध्यक्ष कृषि विस्तार के संघ जबलपुर। कृषि मंत्री मुलाकात करी, क्या मांगे लेकर आप लोग आए हैं और आज अभी क्या बातचीत जी? निश्चित रूप से आज हमने कलेक्टर सर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के। और इसी बीच हमारी आज सौभाग्य रहा कि हमारे पूर्व कृषि मंत्री सम्मानित रामकृष्ण कुसमरिया साहब, वो भी हमें उनको भी हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया और उनसे आश्वासन प्राप्त हुआ है कि आपकी सभी 6 की 6 मांगे जो है हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से इसके निराकरण के संबंध में हम जो है हमसे हमारे स्तर से जो है समस्त कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। कब से लंबे थे आप? हम लोगों को सर ज्वाइनिंग के समय से ही जो नवनियुक्त कर्मचारी है उनकी 70, 80, 90, पहले वर्ष उनको 70% मिलता है, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90%, ये कहना चाहिए जब ज्वाइनिंग हुई थी तब से ही ये प्रथा चालू है और इसको ख़त्म करने के लिए भी एक मांग है हमारी। उसके अलावा जो हमारे साथी हैं जिनको 2400 रुपये ग्रेड पे मिल रहा है, उनको 2800 रुपये ग्रेड पे का भी जो है हमने इसमें ज्ञापन में एक पर रखा हुआ है। एक और प्रमुख मांग है सर इसमें कि हमारे जो साथी हैं वो 30-30, 35-35 वर्ष के आयु तक अपनी सेवाएं देते हैं, किंतु वो जो जिस पद पे नियुक्त होते हैं उसी पद पे रिटायर हो जाते हैं, तो पदोन्नति की मांग को लेकर के हमारा विशेष आग्रह जो है मुख्यमंत्री जी। सर इसमें लगभग हमारे 1200 के आसपास कर्मचारी हैं लगभग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हरीश बर्वे हूँ मैं, प्रांतीय प्रतिनिधि जिला जबलपुर शाखा से। एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, हम लोग अब देखो जम्मू कश्मीर ऐसा है, उसमें जो कुछ मिला है बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि वो भी है, और हरियाणा में हमारी सरकार वापस हो गई, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात। तो हम तो दोनों जगह जीत मान रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी यदि 28 सीटें हमने ले ली हैं तो बहुत बड़ी बात, और हरियाणा जीत गए हैं तो अब यहाँ मिठाई की दुकान नहीं है, नहीं तो आप लोगों को मिठाई उठाई खिलवाते खुशी में। भैया कहाँ है हमारे चौरसिया जी, मिठाई इनको हरियाणा की खुशी में। हाँ, केजरीवाल का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि इतना उत्साह नहीं होना चाहिए था। अब उनका अपना मत है, वो कुछ भी बोले उसके लिए क्या कर सकते, जीत तो जीत होती है।